is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली के केरला हाउस में, जहां केरल में आई भयावह बाढ़ को लेकर के सभी लोगों में वास्तविक मानवता और संवेदना को देखते हुए यहां पर जो बात की जाए उन लोगों की जो सामग्री डोनेट करा रहे हैं और केरल राज्य के पीड़ित उन सभी व्यक्तियों की सहायता करने में पूरी तरह से सामने आ रहे हैं। तो उसी तरह से आज हम इस समय जो खड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं कि जो राहत सामग्री है किस तरह से पहुंचाई जा रही है। बहुत से लोग हैं जो डोनेट कर रहे हैं और अपने शारीरिक मेहनत भी कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए जो है पूरी तरह से यहाँ आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में सामग्री लगी हुई है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को सहायता मिले और वहाँ के पीड़ित लोगों के लिए खाने की सामग्री को पैकेट किया गया है। कई तरह के पैकेट हैं, तो उन पैकेटों में किसी में मेडिसिन है, ग्लूकोज है, बच्चों के लिए छोटे छोटे फूड्स हैं। और यहाँ बहुत से लोग भी हैं जो अपने शारीरिक मेहनत से सहायता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से के केरल की जो स्थिति आज है, शायद अभी तक किसी ऐसे राज्य की नहीं हुई है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर बाढ़ का जो मंजर है, तो केरल साफ दिख रहा है कि केरल जो है वास्तविक बहुत ही बुरी स्थितियों से जूझ रहा है। यहाँ पर मौजूद हैं ऑफिसर्स, बात करते हैं उनसे, पता करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ सहायता कर रहे हैं और किस तरह की सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही हैं। सर, आप बताना चाहेंगे किस तरह से लोग यहाँ पर सहायता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव उस बाढ़ से निजात मिल पाए। तो दिल्ली वाला सब बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद चेक्स आर्टिकल्स एवरीथिंग, मीन्स जेनरसली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द दिल्ली पीपल। वी कैन से द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो getting means making so much effort for getting this relief fund. They are also giving good advertisements in all the newspapers, and government is also contributed a lot with for this relief. तो यहाँ बहुत से लोगों ने सामग्रियाँ प्रदान की हैं और केरला सरकार की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन वही है कि इतने बड़े मंजर से कैसे निपटा जाए। तो सभी लोग एकजुट होकर उस मानवता का सामना कर रहे हैं, उस मानवता की संवेदना से जो है जितनी हेल्प हो सकती है हर एक व्यक्ति अपनी तरह से कर रहा है। आप देख ही रहे हैं कि ये गोदाम बना हुआ है, यहाँ पर पैकेट बनाए गए हैं, ये छोटा पैकेट है और बड़ा पैकेट, सभी में अपने अपने हिसाब से सामग्री, मेडिसिन और ग्लूकोज और बच्चों के लिए भी दिया गया है और वहाँ की सरकार भी बराबर सहायता कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लोग सब सहायता कर रहे हैं, सामग्री पहुंच भी रही हैं, वास्तविक ये मानवता की एक सहायता करना बहुत ही अच्छा होगा और मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये पैकेट बना हुआ है 7 kg। सर, इसमें क्या क्या है? इसमें टॉवल्स है और इसमें टॉवल है, बाकी हर एक चीज़ का अलग अलग। जी जी, और एक कोई पैकेट और दिखाएंगे, ये छोटा वाला पैकेट भाई साहब, इसमें क्या है? इसमें ये सोप पाउडर है, इसमें पाउडर है। और ये बड़ा वाला पैकेट, ये शूज। तो सभी तरह की सामग्रियां यहाँ प्रदान की जा रही हैं, शूज से लेकर जूते, और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनके इस्तेमाल से बची हो। यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से सहायता में लगे हुए हैं, यहाँ के स्टाफ के भी, और कुछ अपनी शारीरिक सहायता भी करना चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है कि कोई भी सुविधा के ना दी जाए, जूते से लेकर मोजे तक और मेडिसिन, खाने की सामग्री, सभी तरह की जिस व्यक्ति से जैसी सहायता बन रही है वो अपने स्तर से कर रहा है। कैमरामैन अनिश के साथ सत्येंद्र शर्मा, एक्सपोज इंडिया, केरला हाउस, दिल्ली।